हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। तो अभी हम चले हैं जी रावण दहन में। हैप्पी दशहरा सबके लिए। तो कोटखाई में रावण दहन हो रहा है, मैं और आरव जा रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे हैं पड़ोस के लोग। तो चलिए जी आगे मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको रावण दहन का नज़ारा, अगर हुआ नहीं होगा तब तक। तो ये है जी की मम्मी और कन्नू। तो रावण दहन शायद हो गया है और हम लेट हो गए हैं। तो देखते हैं आगे फिर। अब क्या फायदा यार, हम लेट हो गए। लेट हो गए यार तू। और रावण दहन हो गया, लेट हो गए। नमस्ते, लेट क्यों हुए भाई? मजा हो गया यार, वो बहुत चिंगारी पड़ी। लेट हो सात बजे का टाइम था। अब क्या खा रहे? करने नहीं चाहिए थे ना पटाखे, इसके नजदीक दूर करने चाहिए थे, नजदीक नहीं करने चाहिए थे। लोग बहुत सारे हैं, लोग देखो कितने सारे हैं। इधर भी है, पीछे इधर भी है। कब लगा जुखाम? कब का लगा? अब क्या फायदा इसका यार, थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो अभी गाने भी लगे थे। तो हम आ गए हैं जी वापस, और दशहरा क्या है? वो तो खत्म हो गया, रावण दहन हो चुका था। हम लेट पहुंचे और थोड़ा बहुत जो था वो मैंने आपको दिखा दिया है। मतलब बाकी बहुत सारे लोग थे, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। तो पिछली बार तो बहुत ही देर बाद जलाया था, इस बार कुछ जल्दी हो गया है। मतलब बोलते हैं कि इसमें पटाखे की चिंगारी लग गई थी। बोल दे क्या कर सकते हैं, बोल दे। दुखद दुखद से भी दुखद बात है। आज मैं पहुंचे थे उतने तक रावण जल जल चुका था। अरे टाइमिंग 7 बजे की थी, बट वो मतलब अंधेरा दिख रहा है, अब लाइट नहीं है यहाँ पे। पोलाश की वो जला रहे थे। अरे वहाँ पे जो वो बनाने वाले नहीं थे, मतलब पटाखा, पटाखे की चिंगारी लगी उसमें, कि जो पटाखे थे उसकी चिंगारी लगी और वो जल गया। हाँ जी, हमारी स्ट्रीट लाइट भी नहीं आज जली हुई, क्यों नहीं होगी जली? बहुत चलो बैठो बैठो। तो क्या करना था, वो तो जल गया था सारा, बाकी क्या है। वो जब जब हम गए आधा जल गया था रावण, बोलते है उसमें लगी चिंगारी। जल्दी कहाँ जलाया, उसमें पटाखे की चिंगारी लगी। बोलो जल्दी कब जलाया चिंगारी लगी? तब जलाओ। बाकी यार अब निराश हो गया है, हमने देखना था रावण दहन। पहली बार तो हम कोटखाई में थे यहाँ पे, और आरव के पापा तो चले ही नहीं, खैर ये तो ये हुआ जी रावण दहन। बाकी मैं पहले ना पड़ोस वाली जो साथ की औरतें, उनको फोन करी थी मैं, कर चलो। बोलते नहीं अभी 7 बजे का टाइम दिया हुआ है और 7 बजे चलेंगे। मतलब रावण दहन तो 5:45 में ही हो गया है। जब हम परे पहुंचे ना तो रावण दहन आधा हो गया था। मतलब उसके बाद मतलब उन्होंने वहां पे लड्डू बांटे और हमने लड्डू लिए। पता क्या हुआ यार, जब मैं बाहर यहाँ गली में आई ना, आपकी कसम एक डब्बा मैंने उल्टा पकड़ा था, वो नीचे छूट के एक डब्बा वहां छूट गया, तो मैंने लाए यहाँ पे जेब में, वो मैंने जेब में रखे थे एक डब्बा। जैसे मैं गली में नीचे उतरी सीढ़ियों से, वो खुल गया एकदम से।
उसका कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते। हाँ डब्बा खुल गया, नीचे छूट गया। तो आरव कैसा हुआ? दशहरा कुल्लू मनाली का दशहरा हो गया यहाँ पे, कुल्लू का दशहरा। ठीक है क्या आपके उन चले? कहाँ चलना यार, क्या बोलते हैं यहाँ पे आउट हो गए सारे। इनकी ना आंख में हो गया है कुछ, इनकी आंख में स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे बहुत, पता नहीं। चलो लो आते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, और वीडियो का भी कर देंगे यही एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो दिखाती रहूँ आपका एंटरटेनमेंट। आरव तो लग गया इधर पीछे लड्डू खाने वहाँ। वहाँ तो जो गुम हो गया था मेरा आरव वहाँ पे, मैं सोचा मैं कार कहाँ गया, ये चला आज लड्डू पकड़ने आगे सबसे पहले। तो मिलते कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।